पीड़िता की माता की तहरीर पर दुराचार की रिपोर्ट हुई दर्ज। टडियावा हरदोई क्षेत्र के एक गांव निवासी बलराम ने पुलिस क्षेत्राधिकारी एसआर कुशवाहा को तहरीर देते हुए बताया कि रविवार को वो खेत पर धान की फसल की कटाई कर रहा था। उसने बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। इसी बीच गांव निवासी एक युवक ने घर में घुसकर उसके साथ जबरन गलत काम किया। लड़की की चीख पुकार सुनकर लड़की की चाची मौके पर पहुंच गई। लड़की की चाची को देख आरोपित वहां से भाग गया। कुछ देर बाद लड़की का पिता घर आया। क्या नाम आपका? मारो राम। आपके पति का नाम? छोटाई। ये आप, ये आपके कौन है ये लोग? ये हमारे बड़े जेठ हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या घटना हुई रात में? रात में का हाय, हम अपने घर में आते हैं। हम रात में जब तड़बड़ हुनो तब हाय हम गत्ते बज के आन, ठीक। तब इनका हमने पकड़ो, हमको झिट के भाग गए। कहाँ पकड़े आप? हम पलगा पर पकड़ो। किस जगह? ये है पलगा पर। ये कौन आप? हाँ, ये वाली चारपाई। हाँ, जो बाहर। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। मका झिट के भागे आदमी। ये वाली चारपाई पर? हाँ, ये चारपाई पर। यहाँ बिस्तर बिछा था? बिस्तर बिछाना है ऐसे था। हाँ। तो यहाँ पर दोनों को आपने पकड़ा, देखा? हाँ। खाली बैठे हम देखो पकड़े। अच्छा। लोबिया हमारी लेती रहा है। अच्छा। अच्छा। आपको देखा भाग गया? हाँ, हमका जीत के साथ भाग गया। कौन था वो? अब तो बीच मोबाइल में नाम तो नाम बता, पहचानो तो पहचानो। जतिंदर। बस इतना ही बोला, ठीक है। उसके बाद भाग गया। हाँ, भजे सब्जी कपड़ा, ठीक। हाँ, एक पॉलिथीन में देना है ना? उसके वहाँ है, ले गए हो वहाँ पे? हाँ, चप्पल चप्पल ले लो। चलो, इसका कपड़ा जो भी था उसको लेते चलो, ठीक है। चलो।